हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम फ़िल्टर को इंस्टॉल करेंगे और फ़िल्टर को जो इंस्टॉल उसको सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पे फ़िल्टर की वेबसाइट पे आ जाएं, फिर यहां डॉक्स पे क्लिक करके यहां पे इंस्टॉल फ़िल्टर पे क्लिक करें। तो हमें फ़िल्टर इंस्टॉल करनी है विंडोज़ के लिए, तो ये हम विंडोज़ सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले आपको ये फ़िल्टर की जो SDK फ़िल्टर का SDK ये आपको डाउनलोड करना होगा। तो ये मेरा डाउनलोड हो रहा है और आपको एंड्रॉयड स्टूडियो भी डाउनलोड करना होगा। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे क्लिक कर लें और इसको एग्री कर लें। तो ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो भी डाउनलोड हो रहा है। तो वेट कीजिए जब तक ये डाउनलोड हो जाए दोनों। तो ये हमारा फ़िल्टर एंड एंड्रॉयड स्टूडियो दोनों डाउनलोड हो चुके हैं। तो अब हम इनको इंस्टॉल करेंगे। तो इसको पहले एक्सट्रैक्ट करें। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, अब इसको ओपन करते हैं। और ये जो फिल्टर का जो फोल्डर है, तो इसको हम कट करके यहाँ पे लोकल डिस्क सी में सेव करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ये आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोकल डिस्क सी में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अंदर आ जाएं और ये जो इसका बिन फोल्डर है, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएं। फिर इसका जो ये ना पाथ, ये पाथ को कॉपी कर लें। फिर यहाँ पे सर्च करें एनवायरनमेंट, तो ये ना एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, तो उस पर आ जाएं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और ये पाथ, और इसको एडिट करें। तो यहाँ पे हम फिल्टर का पाथ सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमने पाथ कॉपी किया था, तो यहाँ पे इसको एड कर लें। फिर ओके ओके एंड ओके। तो ये हमारा जो फ़िल्टर का SDK जो फ़िल्टर है वो हमारा सेटअप हो चुका है। और हमें एक JDK जावा डेवलपमेंट किट भी इंस्टॉल करना होगा। जावा, तो इसकी ये ओरेकल की जो वेबसाइट है, इस पे आ जाएं। यहाँ पे हम जावा का जो SDK है, JDK जिसको बोलते हैं, वो हम डाउनलोड करेंगे। तो इसको हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे, तो विंडोज़ पे क्लिक करें और फिर तो ये जो इंस्टॉलर है, तो इसको डाउनलोड कर लें। तो ये JDK भी हमारा डाउनलोड हो रहा है। और ये जो हमने एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड किया था, इसको भी इंस्टॉल कर लें। और ये हमारा जो JDK है, ये भी इंस्टॉल हो चुका है, तो हम इसको भी इंस्टॉल करते हैं पहले। ये JDK जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसको भी हम, इसका जो पाथ है वो भी हमें सेटअप करना होगा। जैसे हमने फ़िल्टर का जो पाथ सेट किया था, तो इसका भी हमें पाथ सेट करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएं प्रोग्राम फाइल्स,
ये जो जावा फोल्डर है इस पे आ जाएं, फिर ये जो JDK हम इंस्टॉल किया है, ठीक है, JDK 19, और बिन फोल्डर में आ जाएं। फिर ये इसका पाथ कॉपी करके फिर वही वेरिएबल्स इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाकर वहाँ पे पाथ सेट कर दें। तो यहाँ पे पाथ एडिट और न्यू, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। तो ये हमारा JDK का पाथ भी सेट हो गया है। और एंड्रॉयड स्टूडियो को भी आप इंस्टॉल कर लें। हमें इम्यूलेटर भी चाहिए होगा तो इसको भी टिक कर लें और इसको इंस्टॉल कर लें। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, तो चलिए वेट करते हैं। तो हमने एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल कर लिया है, फिल्टर भी इंस्टॉल कर लिया और हमने JDK भी इंस्टॉल कर लिया है। तो आप टर्मिनल ओपन कर लें और यहाँ पे लिखें, सबसे चेक करते हैं फिल्टर का वर्जन, देखते हैं इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये फिल्टर का वर्जन बता रहा है, और मतलब कि हमने फिल्टर सही से इंस्टॉल और इसका जो पाथ भी सेट कर लिया है। तो अब हम फिल्टर डॉक्टर कमांड लिखेंगे। तो इसमें जो भी इसकी जो फिल्टर की जो चीज़ें होती हैं, जो भी इसके टूल्स होते हैं, वो इस पे आ जाते हैं कि कौन से आपके पास इंस्टॉल हैं कौन से नहीं हैं। तो हम इस वो चेक कर लेते हैं। तो हमें ये तीन एरर दे रहा है, सबसे पहले ये एंड्रॉयड टूल चेन का, फिर विजुअल स्टूडियो का, एंड ये एंड्रॉयड स्टूडियो का। एंड्रॉयड स्टूडियो हमने इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन अभी तक हमने इसको रन नहीं किया, क्योंकि जब हम इसको सबसे पहले रन करते हैं तो ये कुछ फाइल्स वगैरह इंस्टॉल करता है, वो नेट से डाउनलोड करके फिर उनको इंस्टॉल करता है खुद ब खुद। तो चलिए इसको रन करें। ये कुछ इसका जो थीम है ये इसको डाउनलोड कर रहा है। तो ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है और यहाँ पे एरर दे रहा है कि नो एंड्रॉयड SDK फाउंड। तो मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल था, फिर मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया, और मेरे ख्याल से आपके पास भी यही ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले ये कुछ फाइल्स होती हैं एंड्रॉयड SDK और ये कुछ दूसरी फाइल्स होती हैं, इसको भी टिक कर लें। ये टिक नहीं हो रहा। तो ये कुछ जो फाइल्स वगैरह होती हैं ये खुद डाउनलोड करेगा, तो इसको नेक्स्ट कर दें। और इसमें जो एंड्रॉयड इमुलेटर होता है और दूसरे SDK होते हैं, तो वो सारी फाइल्स ये खुद ब खुद डाउनलोड करेगा। इस पर फिनिश पे क्लिक कर दें। तो ये सारी फाइल्स एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर रहे हैं। तो वेट करते हैं जब तक ये डाउनलोड हो जाए। तो एंड्रॉयड स्टूडियो ने सारी फाइल्स डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर ली है, तो इसको हम फिनिश करते हैं। तो ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो अभी हम फिल्टर डॉक्टर रन करके देखते हैं कि अभी क्या मसला आ रहा है। तो देखें एंड्रॉयड स्टूडियो वाला मसला चला गया। अभी विजुअल स्टूडियो का मसला है, तो वो अब हम जो अब हमारी एप्स हैं उसको हम एंड्रॉयड इम्यूलेटर पे रन करेंगे, तो हम इसको इंस्टॉल करना लाजमी नहीं है विजुअल स्टूडियो को, तो उसको छोड़ दें। ये असल में विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है, ये विजुअल स्टूडियो ये दूसरा वाला है। और ये कुछ एंड्रॉयड टूल चेन के एरर आ रहे हैं, तो इसको हम सेट करते हैं। तो ये कॉपी कर लें, फिल्टर डॉक्टर एंड्रॉयड लाइसेंसेस, और इसको रन कर दें।
तो ये कुछ एंड्रॉयड एसडीके मैनेजर का कुछ एरर दे रहा है, तो यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो पे आ जाए एसडीके मैनेजर और एसडीके टूल्स। तो ये जो है ना एंड्रॉयड एसडीके कमांड लाइन, ठीक है, ये इसको इंस्टॉल कर लें। तो ये डाउनलोड हो रहा है, वेट करें। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो फिनिश पे क्लिक करें और ओके कर दें। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये भी इंस्टॉल हो चुका है, ये जो इसके जो एसडीके पैकेज है लाइसेंस वो भी एक्सेप्ट हो चुके हैं। तो अभी हम फ्लटर डॉक्टर करके देखते हैं। तो इसमें जो एंड्रॉयड स्टूडियो वो भी सेट हो चुका है, एंड्रॉयड टूल चेन एंड फिल्टर वो भी सेट हो चुका है। बाकी इसको अगर विंडोज़ के लिए यूज़ करना है तो ये सारे एरर आपको सेट करने होंगे, लेकिन हम इसको एंड्रॉयड एमुलेटर या आईओएस के लिए रन करेंगे तो उसके लिए तो हमने सारी सेटिंग कर दी है। हमने एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल कर लिया है, फिल्टर का एसडीके इंस्टॉल कर लिया और हमने जेडीके इंस्टॉल कर लिया। तो अभी हमारा जो फिल्टर है वो पूरी तरह हमारे पीसी में हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और वर्चुअल डिवाइस मैनेजर पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आप अपना वर्चुअल डिवाइस अपना एमुलेटर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट डिवाइस पे क्लिक करके फिर यहाँ पे कोई भी अपनी डिवाइस अपने रेजोल्यूशन के हिसाब से वो सिलेक्ट करके नेक्स्ट करें। तो मैं ज़्यादातर पिक्सल 4 एक्सेल यूज़ करता हूँ और यहाँ पे कोई भी अपना एंड्रॉयड जो सिस्टम इमेज है वो डाउनलोड कर लें। तो मैं यूज़ करूँगा लॉलीपॉप एंड्रॉयड 5.1। तो मैं ये यूज़ करता हूँ क्योंकि ये लाइट वेट होता है और अपने पीसी या लैपटॉप पे ये इतना ज़्यादा लोड भी नहीं डालता। तो मैं तो एंड्रॉयड 5.1 यूज़ कर रहा हूँ और आप एंड्रॉयड 11 या एंड्रॉयड 12 भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये एंड्रॉयड का सिस्टम इमेज डाउनलोड हो चुका है, तो फिनिश पे क्लिक कर लें और इसी को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लें। और यहाँ पे अपने डिवाइस का कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ और फिनिश पे क्लिक करें। तो ये हमारी वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो रही है और ये हो भी गई। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको रन कर सकते हैं। तो ये हमारी वर्चुअल डिवाइस ओपन हो रही है, ये हमारा एमुलेटर ओपन हो गया। और अगर इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ानी या कम करनी हो तो कंट्रोल प्लस एरो अप और एरो डाउन, तो इससे आप इसकी साइज़ बड़ी या छोटी कर सकते हैं। तो ये हमारा एमुलेटर स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा एमुलेटर स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले उसके लिए आपको दो प्लगइन्स होंगे, वो आपको इंस्टॉल करने होंगे। तो यहाँ पे प्लगइन्स पे आ जाएं, फिर यहाँ पे एक होगा फिल्टर, ठीक है, ये जो है फिल्टर, ये आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। और दूसरा है डार्ट, और ये भी आपको इंस्टॉल करना है, ये भी मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। तो ये दोनों एक्सटेंशन लाजमी आपको इंस्टॉल करने होंगे। तो आप देख सकते हैं ये दोनों मेरे पास पहले से इंस्टॉल हैं। तो ये अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे आ जाएं, तो यहाँ पे न्यू फिल्टर प्रोजेक्ट का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा।
यहाँ पे न्यू फिल्टर प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आप अपना फिल्टर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर लें और यहाँ पे फिल्टर का जो पाथ है वो आप सेट कर लें। जैसे यहाँ पे हमने सी में जो फाइल पेस्ट की थी ये फिल्टर और बिन, सॉरी ये फिल्टर, यहाँ ये इस फाइल को सिलेक्ट कर लें, फिर नेक्स्ट कर दें, फिर यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट का नाम दे दें जैसे टेस्ट एप, तो कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा प्रोजेक्ट फिल्टर का क्रिएट हो रहा है। तो जब ये क्रिएट हो रहा है तो आपके पास इंटरनेट होना लाजमी है, क्योंकि ये फिर से अगेन कुछ फाइल्स डाउनलोड करता है, यही एंड्रॉयड स्टूडियो की खास बात है। कभी ना कभी इसको नेट चाहिए होता है, फाइल्स डाउनलोड करते ही रहता है, बस इसको तो मौका चाहिए इंटरनेट हो और ये कुछ फाइल्स डाउनलोड कर लें। तो आपके पास भी आपकी पूरी तैयारी हो, आपके पास पूरा इंटरनेट हो ताकि ये सही से सेटअप हो जाए। तो ये फिल्टर की जो मेन फाइल है मेन डॉट डॉट, और इसी से आपका जो फिल्टर की ऐप है वो रन होती है। तो ये बेसिक कोई कोड दिया हुआ है इन लोगों ने, बेसिक कोई ऐप बनी हुई है, काउंटर ऐप है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो ये नंबर्स काउंट होंगे, नंबर इंक्रीज होंगे जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही। तो ये इसकी सेटिंग हो जाए तो फिर हम इसको रन करते हैं। हमारा एमुलेटर तो पहले से चल रहा है। फिर यहाँ पे अपना एमुलेटर सेलेक्ट करके, ये हमारा मेरा पहले से सेलेक्ट हुआ है पिक्सेल 4 एक्सेल, इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पे रन पे क्लिक कर लें। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अगेन ये फिर से कुछ फाइल्स वगैरह जो वो हैं ग्रेडर की फाइल्स वो इंटरनेट से डाउनलोड करेगा, तो वेट करें थोड़ा। तो थोड़ा सा वेट कर लें जब तक ये हमारी ऐप रन हो जाए, क्योंकि ये फिर से अगेन कुछ फाइल्स डाउनलोड कर रहा है इंटरनेट से। तो जैसा कि मैंने बोला, जब भी आप पहली बार कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करें या पहली बार उसको रन करें तो थोड़ा बहुत इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, वरना ये कुछ फाइल्स डाउनलोड कर नहीं कर पाता और ये एरर दे देता है। तो वेट करते हैं। तो देखिए ये कुछ एरर आ गया इसमें, ये कुछ फाइल्स इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा था लेकिन नेट सही नहीं था, तो ये एरर आ गया, ये फिर से फाइल्स वही डाउनलोड कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने कुछ एरर दे दिया है, हो सकता है कि आपके पास एरर ना आए, लेकिन इसने एरर दिया है कि इंस्टॉल द मिसिंग कंपोनेंट यूजिंग SDK मैनेजर, मतलब ये बता रहा है कि ये एंड्रॉयड SDK बिल्ड टूल्स हैं, ये इसका कुछ फाइल्स रह गई हैं, तो ये हमें SDK मैनेजर से डाउनलोड इंस्टॉल करनी होगी, तो ये हमें SDK मैनेजर से इंस्टॉल करनी होगी। तो SDK मैनेजर यहाँ पे क्लिक कर लें, SDK टूल्स, तो ये इसको क्लिक कर लें और ये कुछ फाइल्स फिर से कुछ डाउनलोड करेगा। तो देखें कि कोई भी जो एरर आ रहा है तो मैं उसको स्किप नहीं कर रहा,
बल्कि आपको उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि वो कैसे सोल्व करते हैं। जैसे अभी ये दोबारा एरर आ गया, तो हम इसके जो एंड्रॉयड बिल्ड टूल से हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, उसकी जो कुछ फाइल्स रह गई थी, तो फिर इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये सारा जो मसला है ये फिर आपको सबसे मतलब पहली बार ही आएगा। पहली बार जब आप फिल्टर सेटअप कर रहे हैं या एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, फिर उसके बाद कोई मसला नहीं आएगा। वो जैसे आप एप्लीकेशन रन करेंगे वो इजीली रन हो जाएगी। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश पे क्लिक करें। ओके, अब दोबारा इसको रन करें। तो वेट करते हैं जब तक ये रन हो, हो सकता है ये फिर से कुछ फाइल्स डाउनलोड करे। तो आप देख सकते हैं कि कुछ डिकेड्स के बाद, कुछ ईयर्स के बाद हमारी ये फाइनली हमारी फिल्टर की फर्स्ट ऐप रन हो चुकी है। VS कोड पे फिल्टर का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, तो सबसे पहले आपको VS कोड डाउनलोड करना होगा। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन कर लें, और मुझे चाहिए विंडोज़ के लिए, तो यहाँ पे विंडोज़ यूज़र इंस्टॉलर ये मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा वेट कर लें। तो ये हमारा VS कोड भी डाउनलोड हो चुका है, तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमारा सिंपल सी इंस्टॉलेशन है इसकी। तो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तो वेट करते हैं। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो फिनिश पे क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है, और कुछ इसकी जो बेसिक सेटिंग है इसने नहीं पूछी मुझसे, क्योंकि ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल था, तो मैंने जैसे इसको फ़िलहाल इंस्टॉल किया था, लेकिन इसकी सेटिंग्स बाकी रह गई थी। और देख सकते हैं कि इसने जो इसकी जो एक्सटेंशन है वो भी पहले से इंस्टॉल है। तो ये तो हमारा VS कोड इंस्टॉल हो गया। तो अब हमें यहाँ पर फिल्टर ऐप रन कराने के लिए हमें यहाँ पर फिल्टर का एक्सटेंशन और डार्ट का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे सर्च कर लें फिल्टर। तो ये फिल्टर का जो पैकेज है वो आप इंस्टॉल कर लें। और वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो जाए। तो ये हमारा फिल्टर का जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम डार्ट का एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल था, तो ये दोनों इंस्टॉल कर लिए। अब यहाँ पे F1 प्रेस करके यहाँ पे सेटिंग पे आ जाएं और कमांड क्लिक कर लें। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा फिल्टर न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ आप न्यू प्रोजेक्ट या फिल्टर सर्च भी कर सकते हैं, तो आ जाएगा। और अगर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिए फिर भी नहीं आ रहा, तो आप VS कोड को रिस्टार्ट कर लें, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, और ये हमें एप्लीकेशन बनानी है तो वहीं पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कोई भी अपना पाथ सेट कर लें। फिर इसका कोई नाम दे दें, जैसे टेस्ट
ऐप, तो ये हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। अब वेट करें जब तक ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए। और इस दौरान आपको हो सकता है नेट की ज़रूरत भी पड़े, तो नेट आपका लाजमी कनेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारा फिल्टर का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है VS कोड में, और हमारा इम्यूनिटी भी चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पिक्सल 4XL लिखा हुआ है, वो अगर आपके पास नहीं हो, यहाँ पे लिखा हुआ नो डिवाइसेस या डिवाइसेस कुछ लिखा होगा, या वो इम्यूलेटर जो आपके पास चल रहा है वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी डिवाइसेस या जो भी इम्यूलेटर कनेक्ट होंगे, जो भी अवेलेबल होंगे, वो यहाँ पे शो करेंगे। तो अभी मेरे पास सिर्फ यही चल रहा है, मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो इसी मेन डार्ट फाइल पे आ जाए, और यहाँ पे रन का जो ऑप्शन है तो उस पर क्लिक कर लें। तो ये हमारा फिल्टर का प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब फिल्टर ऐप हमारी रन हो रही है। और ये VS कोड की जो सेटिंग्स वगैरह या थीम वगैरह है, तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखी है। तो अगर किसी को एक्सटेंशन या थीम वगैरह मालूम करना है तो वो मेरी वीडियो देख लें। तो देखें, इस बार इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, जल्दी से ये इंस्टॉल हो गई हमारी इम्यूलेटर पे। और ये देखें, ये हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है। तो ये तो एक बेसिक ऐप है जो फिल्टर वाले हमें प्रोवाइड करते हैं, एक डेमो ऐप। एक ये काउंटर ऐप है जिसपे आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा, जितनी बार क्लिक करेंगे ये इंक्रीज़ होगा। तो ये थे हमारी सारी सेटिंग, हमने एंड्रॉयड स्टूडियो, VS कोड, JDK, फिल्टर SDK, ये सारे हमने इंस्टॉल किए, सबको हमने सेटअप किया, और हमने एंड्रॉयड स्टूडियो पे हमने अपनी ऐप रन कराई, और अभी हमने VS कोड पे भी अपनी ऐप रन कराई।